जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिला प्रशासन ने अपने सभी 341 गांवों को खुले में शौच मुक्त प्लस घोषित करने पर बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। किसी गांव को ODF प्लस घोषित करने के पीछे कड़े नियम हैं। जब प्रशासन पूरी तरह से तस्दीक कर लेता है तभी उस गांव को ODF प्लस घोषित किया जा सकता है। खासकर ये जो ODF प्लस का यहाँ ऐलान किया गया, सर्वे किया गया और इसे निकाल दिया गया, अब हर घर में यहाँ बाथरूम है, लोगों को बाहर जाना अब नहीं हो पड़ता है, तो ये अच्छी बात है। ये माहौल के लिहाज से भी अच्छा है, सेहत के लिहाज से भी अच्छा है और अखलाकियात के लिहाज से भी अच्छा है। आई सल्यूट टू एडमिनिस्ट्रेशन फॉर दिस। जिले ने ठोस और तरल अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने के लिए 140 शेड, 363 सोखता गड्ढे और 291 सामुदायिक खाद गड्ढे का निर्माण किया है। हमारे एटलीस्ट जो गांव है वो साफ सुथरे रहेंगे, बीमारियों का खतरा खत्म हो जाएगा और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डॉग मैनिस, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस की डॉग मैनिस भी यहाँ पर छोटे बच्चे जहाँ से निकलते थे वहाँ की गंदगी के ढेर पर काफ़ी सारे कुत्ते वगैरह हुआ करते थे जिससे हमारा चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल सोसाइटी के हर मेम्बर को, हर इकाई को, हर घर को इससे फ़ायदा होने वाला है और हो रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारे गाँव में भी कुछ लगे हुए हैं तो काफ़ी फ़र्क महसूस हम कर रहे हैं। जिले में एक व्यापक घर घर कचरा संग्रहण कार्यक्रम लागू किया गया है और पुलवामा प्रशासन ने जिले के सभी 341 गांवों में दीवार चित्रों के माध्यम से स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास भी किए हैं।